वेलकम टू ए बी सी कैंपस आज हम अकाउंटिंग फंडामेंटल्स के टॉपिक में बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के टॉपिक को डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम बुक कीपिंग की डेफिनेशन और इसमें क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होते हैं उनको डिस्कस करेंगे फिर अकाउंटिंग की डेफिनेशन और उसकी टाइप्स पे बात करेंगे फिर अकाउंटिंग के साइकिल और प्रोसेस को ब्रीफली डिस्कस करेंगे और एंड में हम तीन टर्म्स को डिस्कस करेंगे बुक कीपिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्योंकि ये तीनों टर्म्स बड़ी कॉमनली और समटाइम्स इवन इंटरचेंजेबली यूज़ हो रही होती हैं तो ये क्लैरिटी के लिए हम इनको यूज़ करेंगे कि बुक कीपिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में डिफरेंस क्या है इस डिफरेंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे सो so, इन चार पॉइंट्स की तरफ वन बाय वन चलते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे बुक कीपिंग की तो बुक कीपिंग की जो डेफिनेशन है दैट इज कि बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड जिन्हें हम बुक्स ऑफ द एंटिटी भी कहते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी कहते हैं तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को बुक कीपिंग कहते हैं अब ये बिल्कुल बेसिक स्टेज होती है एक किस्म का आप कहें कि अकाउंटिंग बुक कीपिंग होती है तो अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है अकाउंटिंग प्रोसेस इसके मुकाबले में ज़्यादा बड़ा काम है उसमें और भी चीज़ें रिकॉर्डिंग से एक्स्ट्रा चीज़ें भी एड हो जाती हैं तो इसमें प्रोसेस क्या होता है तमाम ट्रांजेक्शन जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स में एनालाइज की जाती हैं जैसे कैश ट्रांजेक्शन अलग रिकॉर्ड की जाती हैं जो क्रेडिट पे ट्रांजेक्शन हो यानी उधार पे ट्रांजेक्शन हो वो अलग रिकॉर्ड की जाती हैं इन्वेंट्री से रिलेटेड ट्रांजेक्शन जिस सेल्स और परचेज़ की ट्रांजेक्शन अलग रिकॉर्ड होती हैं और बाकी आइटम्स की ट्रांजेक्शन सेपरेट रिकॉर्ड होती हैं तो डिफरेंट टाइप्स के अंदर ट्रांजेक्शन को एनालाइज़ किया जाता है और फिर उनके अलग अलग हर चीज़ का जो रिकॉर्ड होता है उसको अकाउंट कहते हैं तो एक से ज़्यादा अकाउंट होते हैं तो उन्हें अकाउंट्स कहते हैं उन अकाउंट्स के अंदर हर किसी को रिकॉर्ड किया जाता है जैसे एक बिजनेस जो है उसके पचास कस्टमर हैं तो हर कस्टमर का एक सेपरेट अकाउंट होगा और हर कस्टमर को जो सेल की गई है वो उसके अलग अकाउंट के अंदर मेंशन की जाएगी तो उस पचास को मिलाकर हम अकाउंट्स कह रहे होंगे सेपरेट अकाउंट होता है डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए हर टाइप का एसेट लाइबिलिटी इनकम एक्सपेंस और ऑनर कैपिटल इन सब के लिए अलग अलग अकाउंट्स होते हैं और हर और इवन एसेट्स की टाइप ज़्यादा हैं तो फिर उनके लिए अलग अकाउंट होते हैं लाइबिलिटीज़ की टाइप ज़्यादा हैं तो उनके लिए अलग अकाउंट होते हैं एट अ बेसिक लेवल एसेट वो रिसोस होते हैं जो एक बिजनेस इस्तेमाल कर रहा होता है लाइबिलटीज़ उसकी ओब्लीगेशन होती हैं जो उसने लोगों को पैसे देने होते हैं इनकम जो है उसकी अर्निंग्स हैं जो उसकी आमदनी है एक्सपेंसिज उसके अखराज हैं जो उसने स्पेंडिंग की है और ऑनर का कैपिटल वो सरमाया है वो पैसे हैं जो एक बिजनेस में ऑनर की तरफ से इन्वेस्ट किए गए हैं अक्सर एक टर्म आप सुनेंगे और वो है डबल एंट्री बुक कीपिंग तो अकाउंटिंग में हम जो ट्रांजेक्शन हैं उनके डुअल अस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं यानी एक ट्रांजेक्शन के दो एंगल्स को रिकॉर्ड करते हैं ताकि बिजनेस की प्रोग्रेस को बेहतर मॉनिटर कर सके जो मैनेजमेंट है और फिर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट और परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स बना सकें ये जो डुअल अस्पेक्ट हम रिकॉर्ड करते हैं इसको डेबिट एंड क्रेडिट कहते हैं और अक्सर आप अकाउंटिंग सर्कल्स में ये बात सुनेंगे कि जी मेन जो कॉन्सेप्ट है या बेस कॉन्सेप्ट जो है वो डेबिट और क्रेडिट का है तो डबल एंट्री बुक कीपिंग के अंदर ट्रांजेक्शन के डुअल अस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड किया जाता है और उसमें ट्रांजेक्शन के दो इस्पेक्ट एक अस्पेक्ट को नाम दिया जाता है डेबिट का और एक अस्पेक्ट को नाम दिया जाता है क्रेडिट का तो इस तरीके से दो इस्पेक्ट जब रिकॉर्ड हो रहे होते हैं तो एंड में उनको मैच करना उनकी बेसिस पे रिकॉर्ड मेंटेन करना और उसकी एक्यूरेसी को इंश्योर करना ये सब चीज़ें आसान रहती हैं और इसलिए डबल एंट्री बुक कीपिंग जो है वो इस्तेमाल की जाती है नेक्स्ट हम देखेंगे कि अकाउंटिंग और उसकी टाइप्स क्या हैं अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन है वो ये है कि अकाउंटिंग इज द प्रोसेस जो कि एक आर्ट है बिकॉज इट इज नॉट अ साइंस आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल नेचर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ अब फर्स्ट टाइम जब एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है किसी भी जगह पे लिखा जाता है तो वो प्रोसेस रिकॉर्डिंग है फिर उन ट्रांजेक्शन को उनकी नेचर के हिसाब से अलग अलग कर दिया जाता है इसे क्लासिफाइंग कहते हैं फिर हम फाइनली पीरियड एंड पर अमूमन ईयर एंड पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं जिसमें हम एक बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं उसकी फाइनेंशियल पोजीशन निकाल लेते हैं कि स्ट्रॉग फाइनेंशियल पोजीशन है या वीक फाइनेंशियल पोजीशन है और ये इन्फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल नेचर पे किया जाता है और उसके बाद जो आखिरी स्टेप होता है हमारा वो होता है इंटरप्रटेशन का इंटरप्रटेशन में ये होता है कि हम ये इवेल्यूएट करते हैं कि जो हमने रिपोर्ट्स बनाई हैं उससे हमें पता क्या चल रहा है बिज़नेस ने इम्प्रूव किया है कि ओवर द पीरियड इसकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन हुई है बिज़नेस जो है वो दूसरे जो बिज़नेसेस हैं है, उसके कंपेटर्स हैं उनके मुकाबले में स्ट्रॉग है या उनके मुकाबले में वीक है तो ये इंटरप्रटेशन जो हैं वो हम फिर उस डाटा की बेस पर इवेलुएट कर रहे होते हैं अकाउंटिंग की तीन मेन टाइप्स बताई जाती हैं अमूमन और इसमें से जो मोस्ट कॉमन और मेन है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग Uh, इसमें रिकॉर्ड रखे जाते हैं मेंटेनिंग अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड अदर आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल नेचर और फिर इससे फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब है कि प्रॉफिट और लॉस डिटर्मन करना ये मालूम किए जाते हैं और उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी के स्टेक होल्डर्स को प्रोवाइड की जाती हैं स्टेक होल्डर्स जैसे इन्वेस्टर्स बैंकर्स एम्प्लाईज सप्लायर्स तो इन सब लोगों को वो प्रोवाइड की जा रही होती है एक और जो आ, टाइप है अकाउंटिंग की दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिक जो उसमें रिकॉर्डिंग सिस्टम होता है वो कॉस्ट अकाउंटिंग होता है और फिर जब उसकी बेस पर डिसीजन मेकिंग की जाती है तो उसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं यानी कुछ जगह पर आपको कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग अलग अलग अकाउंटिंग की टाइप्स के तौर पर भी नजर आएंगी लेकिन ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीमेंट कर रही होती हैं आप यूँ समझ लें कि इसमें बेसिक जो लेवल है वो कॉस्ट अकाउंटिंग है और एडवांस जब हो जाता है तो वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है सो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द रिकॉर्डिंग And of to यहां पे फोकस जो था वो, पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं फाइनानस प्रोवाइड कर रहे होते हैं इसी वजह से उनको फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं जबकि मैनेजमेंट के लिए जो अकाउंटिंग की जा रही है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहलाती है मैनेजमेंट को तीन मेन काम करने होते हैं अगर उनके फंक्शन को हम ब्रॉड कैटेगरीज में लेकर जाए प्लानिंग कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग तो इन तीनों कामों के लिए जो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट को प्रोवाइड की जा रही होती है वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से की जा रही होती है थर्ड टाइप ऑफ अकाउंटिंग कुछ लोग इसको अकाउंटिंग की टाइप में शामिल करते हैं और कुछ नहीं करते और ये टैक्स अकाउंटिंग कहलाती है इसमें हम टैक्स रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं फिर पीरियॉडिक टैक्स रिटर्न जैसे सेल्स टैक्स वगैरह की तो मंथली रिटर्न्स बनती हैं बाजूक क्वार्टरली बनती हैं और इनकम टैक्स की एनुअल रिटर्न वगैरह बनती हैं कुछ मंथली स्टेटमेंट्स भी होती हैं तो रेलिवेंट टैक्स लॉज के मुताबिक बनानी होती है इनमें भी इनकम और एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं लेकिन ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग से डिफरेंट वे में होता है इसमें जो टैक्स लॉ के रूल्स होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन उनको फॉलो करते हुए कैलकुलेशन और अमाउंट्स को मैंशन किया जाता है और ये इसका जो यूजर होता है टैक्स अकाउंटिंग का वो होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जिन जो कि टैक्स कलेक्ट कर रहे होते हैं तमाम बिजनेसिस से और इंडिविजुअल से तो ये अकाउंटिंग की थ्री टाइप्स हैं हमारा मेन फोकस जो अभी ज्यादा रहेगा वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के टॉपिक पर ही रहेगा क्योंकि ज्यादा पहले हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग को फोकस करते हैं उसके बाद दूसरी टाइप ऑफ अकाउंटिंग भी उसके साथ ऐड होती रहती हैं और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी फिर एडवांस लेवल पर कवर होती है अकाउंटिंग साइकिल या अकाउंटिंग प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बिजनेस की जो ट्रांजेक्शन होती हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है अब ये ट्रांजेक्शन होती क्या है कोई भी ऐसा इवेंट जिसका मॉनिटरी इंपैक्ट हो जिसका पैसों पे फर्क पड़ता हो तो उसको रिकॉर्ड करना ज़रूरी होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसे ट्रांजैक्शन कहते हैं और एक बिजनेस की अमूमन हज़ारों ट्रांजैक्शन और बाद अगर जो बहुत बड़े बिजनेसिस हैं और मल्टा हैं बहुत सारी कंट्रीज uh, में लोकेशन पर काम कर रहे हैं उनकी तो हो सकता है कि मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन भी होती हैं तो छोटे बिजनेस में ऑब्वियसली कम ट्रांजेक्शन होती हैं ज़्यादा बड़े बिजनेस में ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं ट्रांजेक्शन्स को फिर रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में इनको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं तो ये वो बुक्स uh, होती हैं फर्स्ट प्लेस जहाँ पर ट्रांजेक्शन्स को उनकी टाइप के मुताबिक रिकॉर्ड किया जाता है डिफरेंट बुक्स होती हैं जैसे कैश बुक के अंदर कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं परचेज डे बुक में वो गुड्स जो हमने खरीदी होती हैं और आगे बेचनी होती हैं और क्रेडिट पे खरीदी हूँ उनको रिकॉर्ड किया जाता है एंड सो ऑन आगे हम ऑब्वियसली बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री पर अलग से भी लेक्चर में कवर करेंगे बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में जब रिकॉर्डिंग हो जाती है तो अगला प्रोसेस ये होता है कि उन ट्रांजेक्शन्स के इंडिविजुअल अमाउंट uh, को या उनकी टोटल अमाउंट को फिर एक और बुक्स में लिखा जाता है अकाउंट्स में और उस बुक को कहते हैं लेजर्स लेजर्स से फिर एक लिस्ट बनाई जाती है जिसको ट्रायल बैलेंस कहते हैं तो लिस्ट ऑफ बैलेंसेज होती है यानी लेजर के बैलेंसेज होते हैं उनको एक सिंपल लिस्ट फॉर्म में ले आते हैं और सिर्फ डेबिट और क्रेडिट के तौर पर आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो वो लेजर से ही एक्सट्रैक्ट होती है और उसको हम कहते हैं उस लिस्ट को कहते हैं ट्रायल बैलेंस ट्रायल बैलेंस की जो फिगर होती है उसमें पीरियड एंड एडजस्टमेंट क्लोजिंग एडजस्टमेंट भी कहा जाता है इनको तो पीरियड एंड एडजस्टमेंट हम करते हैं और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं। पांच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं हमारी लेकिन उसमें से दो जो मेन है वो है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कि बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉग है वीक है और फाइनल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं इनकम और एक्सपेंसेस को कंपेयर करके कि ड्यूरिंग द पीरियड बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ फिर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना बनाने के बाद हम नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंसेस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और वो ओपनिंग बैलेंसेज लेकर फिर ये प्रोसेस दोबारा होता है कि अगले साल की फिर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री बनती है लेजर्स बनते हैं ट्रायल बैलेंस बनता है फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती हैं और इस तरीके से ये प्रोसेस बार बार चलता रहता है जब तक बिजनेस एंटिटी काम कर रही होती है तो ये अकाउंटिंग प्रोसेस है जिसको ब्रीफली आपने ध्यान में रखना है अब हम चलेंगे बुक कीपिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को कंपेरिजन की तरफ तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बुक कीपिंग पे तो बुक कीपिंग जो है वो सिंपल काम है कि आपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है आपने बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर दिया ट्रांजेक्शन्स के बिल वगैरह इन चीज़ों को प्रॉपर सीक्वेंस के साथ मैनेज कर लिया तो आप बुक कीपिंग कर रहे हैं अकाउंटिंग इसके मुकाबले में वाइडर टर्म है यानी अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग भी शामिल है और इसमें फिर हम फाइने समराइजिंग का, का काम एनालाइज करने, का का करने का काम रिपोर्ट करने का काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का काम भी ऐड कर रहे होते हैं और जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये हो गई इसके बाद जब हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात करते हैं तो वो इवन वाइडर टर्म है यानी उसमें बुक कीपिंग और अकाउंटिंग भी शामिल है और उसमें हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को जिस वे में रिपोर्ट कर रहे होते हैं वो ये कर रहे होते हैं कि हम अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं हम रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जैसे हमारे कुछ स्टैंडर्ड हैं आई एफ आर एस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वगैरह उनको भी अप्लाई कर रहे होते हैं और जो हमारे लॉ की रिक्वायरमेंट होती हैं जिसे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कहा जाता है कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट हैं दूसरे कंपनीज uh, एक्ट है दूसरे कुछ रूल्स हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कुछ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं तो अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो उसको भी फॉलो करना होगा तो वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की भी कंप्लाइंस की जा रही होती है तो अकाउंटिंग के साथ साथ रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जब इनको भी फॉलो करते हुए हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और दूसरी रिपोर्ट्स बना रहे होते हैं तो उसको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कहा जाता है सो एज़ सच आप कह सकते हैं कि बुक कीपिंग बुक कीपिंग से ब्रॉड कर दें अगर स्कोप को तो अकाउंटिंग बन जाती है और फर्दर अगर हम अपने स्कोप को ब्रॉड कर दें और फॉर्मल लेवल पर ले जाएं तो वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बन जाती है सो so, ये आज का जो हमारी वीडियो थी इसके अंदर हमने यही एरियाज़ कवर करने थे दैट्स ऑल फॉर टूडे हैव अ गुड डे